संघर्ष फिल्म भोजपुरी में वो वक्त आयल बा जौना वक्त इंडस्ट्री बड़ा मतलब डाउन में जात रहे, थिएटर से पब्लिक भागे लागल रहे। वो घड़ी संघर्ष रत्नाकर कुमार जी वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर हुए उस सिनेमा के, उस आदमी के इतना मतलब हम ये कहें कि पूरा श्रेय उनका के जा सकेला, कहे कि वैसा प्रोड्यूसर होके तो सिनेमा भी बढ़िया बनी और सिनेमा के रिजल्ट भी बढ़िया हुए। अगर रत्नाकर जी की जगह कोई और शायद प्रोड्यूसर होते हैं तो इतना मेहनत तो उस सिनेमा के रिलीज पे ना कर ले होते हैं। तो रत्नाकर जी के ही पूरा श्रेय जाले कि संघर्ष जैसन फिल्म बनौला जो में कोनो अश्लीलता नहीं के, कोनो आइटम सॉन्ग नहीं के, ओकरा बाद उस सिनेमा के पूरा मल्टीप्लेक्सेज में रिलीज कर, मतलब 40 मल्टीप्लेक्सेज एक साथ, ओकरा बाद उस सिनेमा के हर कदम दर कदम उस सिनेमा के चले में, पब्लिसिटी में, प्रमोशन में हर कदम बढ़ोतरी उनका दिमाग से उपजल। तो बस ये काम कि संघर्ष जैसन फिल्म बने की चाहिए इंडस्ट्री में, जो भोजपुरी पे लागल जो दाग भाव दाग के धो सके। गणपति बप्पा मोरिया।